हेलो गाइस, दिस इज कार्तिकेय पांडे एंड यू आर वाचिंग नीरा ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, आज से अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, क्योंकि अपन लोगों का वेक्टर कंप्लीट हो चुका है। थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छे से वेक्टर हो चुका है अपना, जो आईआईटी जेई लेवल का होना चाहिए था। और वेक्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं कुछ वीडियो लाऊंगा, जिसमें कि मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊंगा आप लोगों को। वो मैं सोच रहा हूँ कि राइटिंग पैड के थ्रू बना दूँ, बिकॉज यहाँ पे पॉसिबल कई बार होता कि मैं टाइम टेबल बहुत बिजी हो जाता है मेरा, तो नहीं बना पाता। तो इसीलिए मैं उसके लिए एक दो और वीडियो लाऊंगा अभी। एटलीस्ट अभी 3 वीडियोज़ आएंगे वेक्टर पे, मतलब 6 वीडियोज़ आ चुकी हैं, 9 वीडियोज़ के 9 to 10 वीडियोज़ आएंगे वेक्टर पे। फिर मोशन इन 1D आता है अगला टॉपिक काइनेमेटिक्स में, लेकिन मैं मोशन इन 1D इसलिए नहीं कराया बिकॉज वो 9th क्लास से रिलेटेड है, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। बट मैं वो कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं उसे करा नहीं रहा हूँ, मैं उसे कराऊंगा। खासकर ग्राफिकल प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से मैं कराऊंगा, ग्राफिकल कन्वर्जेंस बहुत अच्छे कराऊंगा, ठीक ना। सारी चीज़ें मैं कराऊंगा एक एक करके, लेकिन एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन 2D का ऑप्शन है ये, ठीक, मतलब पार्ट है, या काइनेमेटिक्स का ये तरह से पार्ट है बोल सकते हैं अपन लोग। और इसके बाद मैं रिलेटिव मोशन कराऊंगा, देन मैं मोशन इन 1D कराऊंगा, बिकॉज जो मुझे बेसिक इक्वेशंस का यूज़ है, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, पहली इक्वेशन बी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, या एस इज इक्वल टू वेयर एस इज डिस्प्लेसमेंट, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, मतलब कॉन्स्टेंट एसिलरेशन मोशन के लिए, कॉन्स्टेंट एसिलरेटेड या यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन है तो उनके लिए इक्वेशंस होती हैं। या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, वेयर एन इज एन इज द नंबर ऑफ सेकंड, मतलब कौन सा सेकंड था, nth था या n-1th था या n+1th था। क्लियर गाइस? तो ये बेसिक इक्वेशन सारे बच्चों को आती हैं, और लगभग यदि नहीं भी आती है तो लगभग आप इनको चाहें तो एक बार NCERT से या कहीं से भी देख सकते हैं। क्लियर है? और मेन जो होता है वो प्रोजेक्टाइल होता है, ग्राफिकल वेरिएशंस होते हैं और रिलेटिव मोशन होता है। क्लियर है? तो इसीलिए मैं एकदम सुपर 30 के तर्ज में चल रहा हूँ, जैसे कि मैं सुपर 30 में पढ़ा रहा हूँ उसी तर्ज में चल रहा हूँ। मैंने वहाँ तो पूरा कराया है, लेकिन बहुत फास्ट कराया था। क्लियर है? बट प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं बहुत अच्छे से फोकस कराया था। तो आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं क्या क्या प्रोजेक्टाइल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है? और प्रोजेक्टाइल मोशन से को अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपको ये पता रहे कि आप सर क्या क्या कराने वाले हैं। क्लियर है? तो मैं एक एक चीज़ करके बताता हूँ आपको। तो पहले तो मैं नॉर्मल बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल बताऊँगा आपको। क्लियर है? बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, नॉर्मल में बेसिक, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, या प्रोजेक्टाइल क्यों बोलते हैं, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, ये सारी चीज़ें अपन लोग इसमें क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी एट जनरल टाइम टी कैलकुलेट करेंगे, एच मैक्स कैलकुलेट करेंगे, रेंज कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है गाइस? फिर सबसे मेन इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री पता करेंगे अपन लोग। क्लियर है बच्चा? ये अपन लोग का बेसिक्स में आएगा, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा। और सम स्पेशल प्रॉब्लम्स, सम स्पेशल प्रॉब्लम्स। तो गाइस, ये आपका ले लेगा 2 से 3 लेक्चर, मिनिमम ले लेगा 3 लेक्चर। क्लियर गाइस? जब अपन लोग बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल कर लेंगे, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल कर लेंगे, तब अपन लोग आएंगे, मतलब ये पहला होगा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, ये किसका है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड। फिर दूसरा रहेगा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट। क्लियर गाइस? मतलब किसी एक हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है, तब क्या होगा, फिर से वही टाइम ऑफ फ्लाइट, इस बार एच में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, और आ भी सकता है यदि वहाँ से भी किसी एंगल में थ्रो करेंगे, मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें अपन लोग पढ़ेंगे। बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले अपन ग्राउंड से बॉल को ऐसे फेंक के देखेंगे, फिर कुछ हाइट से फेंक के देखेंगे। क्लियर गाइस? फिर वही सारी चीज़ें होंगी। तो ये आपका लेगा ओनली 1 लेक्चर। वाई 1 लेक्चर? ये यदि आपका लेता है 2 से 3 लेक्चर तो ये लेगा 1 लेक्चर। वाई 1 लेक्चर? बिकॉज अपन लोग जब बेसिक्स यहाँ पे कर रखे होंगे तो यहाँ पे वो इजीली वही चीज़ें यहाँ पे लगाएंगे और वेरिएशंस अच्छे से निकाल लेंगे। नाउ उसके बाद अपन लोग लाएंगे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। क्लियर बच्चा? इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मतलब कोई यदि प्लेन है जो कि जैसे इस वाले का एग्जांपल बोलते तो ऐसे
क्लियर है, यहाँ से ऐसे बॉडी प्रोजेक्ट की गई है, इस वाले केस में क्या था कुछ हाइट से बॉडी ऐसे प्रोजेक्ट की गई है, क्लियर है। तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल क्या होगा, जैसे कि एक प्लेन है जो कि इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे, उसमें प्रोजेक्ट किया हमने ऐसे लाइक दिस, क्लियर बच्चा, किसी एंगल पे अल्फा एंगल पे। तो ये होता है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल केस में फिर से वही निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स, रेंज, क्लियर बच्चा। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो है वो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स करेंगे अपन लोग, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, क्योंकि IIT JEE में बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स इंक्लाइन प्लेन में पढ़ाया हुआ है, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, क्लियर गाइस। फिर इसके बाद अपन लोग चौथा टॉपिक पढ़ेंगे जो वो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये कि भैया यदि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि खुद ऑलरेडी ऐसे है मूव कर रहा है और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपने यहाँ से कोई बॉल ऐसे थ्रो करी, क्लियर है, तो फिर क्या होंगे वेरिएशंस, तो वो अपन लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, क्लियर है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म। नाउ इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, इसके बाद अपन लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल में कुछ स्पेशल केसेस को अपन इन्वॉल्व कराएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और बयोंसी मतलब एफ ऑफ थ्रस्ट, ऐसे केसेस को मतलब इंक्लूड करा के और फिर प्रोजेक्टाइल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। और ये सब करने के बाद जब अपन लोग का हो जाएगा, क्लियर है, तो अपन लोग काइनेमेटिक से कुछ और अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल के अंडर पे, एंड दैट इज़ कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल, कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब एयर में दो प्रोजेक्टाइल कंसीडर एक दूसरे से टकराएं या ना टकराएं, और टकराएं तो कैसे टकराएं, ये सारी चीज़ें अपन लोग पढ़ेंगे, क्लियर गाइस। तो उसमें अपन लोग बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे कि प्रोजेक्टाइल को कोलाइड कराने की क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर गाइस। तो अपना आएगा किस में, कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल में, दो प्रोजेक्टाइल कोलिजन। नाउ जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल का कोलिजन विद वॉल, वॉल मतलब दीवार से जब प्रोजेक्टाइल टकराएगा तो क्या वेरिएशंस आएंगे, रेंज चेंज होगा कि नहीं होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या अंतर आएगा, कोलिजन कैसे होंगे, यदि इलास्टिक इनलास्टिक, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं वेरिएशंस आपको अच्छे से बताऊंगा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अपन IIT JEE लेवल की जो भी चीज़ें हैं वो अपन कवरअप करेंगे, और इसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होंगे मैं बता देता हूँ, तो 2 से 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 मान लीजिए लेक्चर्स यहाँ पे, 2 लेक्चर्स से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बट 2 लेक्चर्स अपन करेंगे, 2 लेक्चर्स, 1 लेक्चर यहाँ पे, 1 लेक्चर यहाँ पे, और 1 लेक्चर यहाँ पे, 1 लेक्चर यहाँ पे, क्लियर गाइस। तो आई थिंक सो कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेक्चर्स में हम लोगों का प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से कंप्लीट होने वाला है, क्लियर गाइस। और उसके बाद अपन लोग रिलेटिव मोशन करेंगे। तो आज मैं मात्र आप लोगों को बेसिक्स बातें करूंगा, लेकिन बेसिक्स में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें हो सकता ना बताऊं, वो शायद तक मैं सारी की सारी चीज़ें आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करूं, क्योंकि अभी मैं एक एक घंटे के लेक्चर्स बनाने के बजाय मैं ट्राई करूंगा कि 20-30 मिनट्स का लेक्चर बनाऊं, कि जिससे कि आप लोगों को कंटेंट मिले। 10 मिनट्स का भी नहीं बनाऊंगा, 5 मिनट्स का भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उतने में मुझे ही पता है कि कोई कंटेंट नहीं दिया जा सकता, क्लियर है। लेकिन मैं 30 मिनट्स में चीज़ों को बाइंड अप करने की कोशिश किया करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कंटेंट पहुंच सके कम से कम टाइम में, क्लियर गाइस, जिससे कि आपको कम MB डेटा भी खर्च हो और वहाँ भी आपके कम पैसे लगे और आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को एसेस कर सके, क्लियर गाइस। तो अपन लोग चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि भैया प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, ठीक है, या प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, क्यों अपन पढ़ना चाहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए, एक नॉर्मल सी मैं बात करूँगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो लेट अस सपोज कि मैंने एक छोटा सा चौक का टुकड़ा लिया ऐसे, और आपके साइड ऐसे उछाल दिया लाइक दिस, क्लियर गाइस, मैंने आपके साइड ऐसे उछाल दिया। तो आप देखें कि पहले वो ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, एम आई करेक्ट, वाई ऐसा क्यों हुआ, वो सीधे क्यों नहीं गया, वो ऊपर क्यों नहीं चला गया, वो ऐसे क्यों हुआ कि दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऊपर गया नीचे भी आया और साथ में ऐसे भी जा रहा है, क्लियर गाइस। तो प्रोजेक्टाइल का मैं सिंपल इतना सा मीनिंग बोलूँगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एनी बॉडी विच इज़ मूविंग अंडर ग्रेविटी एंड प्रोजेक्टेड एट सम एंगल, मतलब
कोई भी बॉडी जो कि थीटा एंगल पे फेंकी गई है, क्लियर है, किस में? एयर में, और किसके अंडर मूव कर रही है? ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही है, मतलब उसके ऊपर एक कंटिन्यूस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, क्लियर गाइज। तो ऐसी मोशन को अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, क्लियर है। और जिस बॉडी को फेंका गया है दैट बॉडी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल, क्लियर गाइज। और प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि कितने एंगल पे हमने फेंका है, प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि हमने कितने एंगल पे फेंका है, मतलब कहीं पे ये लिखा है अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा, दैट मीन्स कि वो ये कह रहा है एक प्रोजेक्टाइल मतलब एक बॉडी है जो कि थीटा एंगल पे किससे, ग्राउंड लेवल से फेंकी गई है, या ग्राउंड लेवल या जो लेवल वो बताएगा कि भैया यहाँ से थीटा एंगल पे, क्लियर है गाइस ना। ये तो अपन ने जाना, अब इसका एग्जाम्पल देखें। तो जैसे कि बैट्समैन सिक्स मारता है, तो जब सिक्स मारता है तो ऐसे बैट में बॉल टकराई और ऐसे जाती है और फिर सिक्स में ऐसे गिरती है। यू मे हैव सीन प्लेइंग विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, तो कैसे ऐसे क्लिक, तो बॉल ऐसे गई और ऐसे गिरी, क्लियर गाइस। फिर आप देख सकते हो जैसे कि कई बार आप लोग देखे होंगे कि आसमान से जब हेलीकॉप्टर से बॉम्ब गिराया जाता है तो वो बॉम्ब गिरता वो गिर छोड़ते ऐसे हैं लेकिन बॉम्ब गिरता ऐसे है, क्लियर गाइस। दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। वो क्यों ऐसा गिरता, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे एक एक करके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर यू मे हैव सीन, यदि तुम कोई छोटा सा ऐसे पाउच फेंक दो, क्लियर है, ऐसे पाउच फेंको तो पाउच फेंकते हो तो वो पाउच ऐसे जाके और ऐसे गिरता है। कई बार आप देखे हो कि आप चलते चलते एक चौक उछाल दो तो आप चलते भी जा रहे हो तब भी आपको चौक दोबारा वही मिलती है कैच करने में। जैसे कि मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मैंने चौक को सामने नहीं फेंका है, मैंने चौक को ऊपर फेंका है, लेकिन फिर भी मैं चौक को कैच कर पा रहा हूँ। Why I am able to catch that particular chalk? क्योंकि मैंने चौक को तो यहाँ पर प्रोजेक्ट किया था ऐसे इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट इवन देन मैं चलते चलते इसको दोबारा पकड़ने में कामयाब हो रहा हूँ। सो why? सो यही सारी चीज़ें अपन लोग प्रोजेक्टाइल में एक एक करके सब अच्छे से पढ़ेंगे, कितने टाइम के बाद बॉडी गिरेगी और टाइम टी के बाद उसकी क्या वेलोसिटी होगी, कितना दूर गिरेगी, कितना मैक्सिमम हाइट गई होगी बॉडी, इन्हीं सारे वेरिएशंस के बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्लियर गाइस। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का सीधे सीधे एक छोटा सा डिफिनेशन इतना हो जाएगा, आपके नोट्स बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, नोट्स जरूर बनाइएगा, ये बताते रखिएगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ एनी बॉडी विच इज़ प्रोजेक्टेड एट सम एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ ग्राउंड इज कैन बी टर्म्ड एज और कैन बी ट्रीटेड एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लियर गाइस। नाउ अगला कॉन्सेप्ट आता है कि सर हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो क्या कोई हम एजम्पशन लेने वाले हैं? तो हाँ बच्चा, रियल लाइफ में जो प्रोजेक्टाइल होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि एयर की वजह से जो एयर ड्रैग आता है, एयर ड्रैग कहने का मतलब कि एयर की वजह से जो फोर्स आता है, जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारे ऊपर हवा फोर्स लगाती है, क्लियर गाइस। तो हम जितना एक्सपेक्ट कर पा रहे होते उससे कम ही इफिशेंसी दे पाते हैं, मतलब उससे कम ही परफॉर्म कर पाते हैं, मतलब रियल लाइफ में जब आते हैं तो वो आइडियल चीज़ें नहीं चल पाती। तो जो हम पढ़ने वाले हैं अपने इन चैप्टर्स में, वहाँ पे अपन कंसीडर करके चल रहे हैं कि एयर ड्रैग को अपन निगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब एयर के चलते जो भी विस्कस फोर्स आएगा या एयर के चलते जो एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स बोल दीजिए लैंग्वेज में, मतलब जो एक अपोजिट फोर्स आएगा एयर की वजह से प्रोजेक्टाइल के मोशन को, वो हम निगलेक्ट करेंगे, पहली चीज़। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड थिंग, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्थ पूरी की पूरी कैसी है? फ्लैट है, मतलब हमारा प्रोजेक्टाइल इतना बड़ा नहीं है कि भैया हमने ऐसे उसे प्रोजेक्ट किया तो अर्थ के यहाँ से प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ वो आ गया, क्लियर गाइस। क्योंकि इस तरह हमारे आप टॉपिक ऑफ कंसीडरेशन नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि जो हम प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं वो कुछ इतना रेंज का है कि हम अर्थ को उतनी दूरी के लिए एकदम स्ट्रेट मान सकते हैं, क्लियर गाइस। नाउ दिस वॉज द सेकंड एजम्पशन, पहला एजम्पशन क्या था? एयर ड्रैग इज नेग्लेक्टेड, सेकंड एजम्पशन इज वॉट? सेकंड एजम्पशन इज अर्थ इज अज्यूम टू बी फ्लैट फॉर गिवन रेंज, एंड थर्ड एजम्पशन इज कि ग्रेविटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू हाइट हम निगलेक्ट कर रहे हैं। आप लोग जब ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि अर्थ के नियर जो ग्रेविटी जी की वैल्यू आती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर जाएंगे तो आप लोगों का ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा वो घटता जाएगा, क्लियर है बच्चा। लेकिन यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि हम इतना तेज प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं कि भैया वो अर्थ से निकल के मून में जाके टच करके दोबारा लौट के आ रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये कि ग्रेविटी का वेरिएशन हम निगलेक्ट कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो इतने हाइट तक प्रोजेक्ट किया गया है कि जो
मतलब ग्रेविटी में वेरिएशन होता है वो हम निगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ भी ग्रेविटी जी की वैल्यू 9.8 है तो यहाँ भी 9.8 और यहाँ भी 9.8 अप्रॉक्सली मान सकते हैं। क्लियर गाइस? सो दिस वॉज द थर्ड एजम्पन दैट इज टू बी टेकन बिफोर गोइंग टू स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन। सो गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस चैप्टर, मीन्स द नंबर ऑफ लेक्चर्स वी आर गोइंग टू हैव इन अवर कन्वर्सेशन। कहने का मतलब ये कि अपने कितने लेक्चर अपन लोग पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या था ये हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले अपन क्या एजम्पशंस करने लेने वाले थे या क्या एजम्पशंस अपन ले रखे हैं वो मैं आपको बता दिया। तो ये तीनों एजम्पशन आपकी कॉपी में होने चाहिए। हेडिंग पहला रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, उसका नोट मतलब उसका मीनिंग, फिर एजम्पशंस टेकन। क्लियर गाइस? नाउ चलिए अपन लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करके देखते हैं तो अपन को थोड़ा सा आइडिया लगेगा। क्लियर है? चलिए तो गाइस चलिए अपन लोग प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को भगवान का नाम लेकर के, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यदि आप लोग अच्छे से एक बार देख लेंगे तो ये आपको बहुत मज़ा देगा, समझ रहे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस सपोज कि बच्चा ये हमारा एक्सिस सिस्टम है। क्लियर है? दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। आप चाहें तो इसे एक्स मान सकते हैं, इसे वाई मान सकते हैं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ना गाइज, एक बॉडी है जो कि किसी एंगल पे ऐसे प्रोजेक्ट की गई है। क्लियर बच्चा? ऐसे एट एंगल थीटा प्रोजेक्ट की गई है विद इनिशियल वेलोसिटी यू। क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी? यू थी, जिससे वो प्रोजेक्ट किया गया बॉडी को, मतलब बॉडी को ऐसे फेंका गया है एट एंगल थीटा। तो ग्रेविटी की वजह से उसका मोशन कुछ ऐसा हो रहा है। क्लियर है? अभी देखिए, मेरे को ये नहीं पता है कि ये मोशन ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस मैंने अनुमान लगाया है कि वो मोशन ऐसा होगा। बाद में मैं इक्वेशन से प्रूफ करके देखूंगा कि ऐसा मोशन होने वाला है या नहीं होने वाला है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर बच्चा? ना, या सेकंड तरीके से बोलें तो लेट अस सपोज किसी हाइट से, किसी टावर से एक बॉल ऐसे प्रोजेक्ट की गई हॉरिजॉन्टली। क्लियर बच्चा? तो ये जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट की गई तो ये कुछ ऐसे पहुँचेगी ग्राउंड में। क्लियर है? सो दिस इज ऑल्सो अ प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ गाइस, हो सकता है कि वही बॉल कैसे प्रोजेक्ट की गई होती सेम हाइट से, लाइक दिस एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी यू। तो इसका मोशन कैसा होता? ऐसा होता। क्लियर गाइस? तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन था। तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। क्लियर है? इनमें कंटिन्यूसली, इसमें भी ग्रेविटी कंटिन्यूसली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा है, इसके भी, इस केस में भी ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा है कंटिन्यूसली, इस केस में भी मोशन जो है वो कहाँ पे है? ग्रेविटी के अंडर पे है। क्लियर है? अब मैं इस मोशन को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, इस मोशन को मैं तोड़ के दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यदि मैं इस मोशन को आपको तोड़ के दिखा पाऊँगा तो आप चीज़ों को और अच्छे से जज कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए तोड़ के देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। सो सी, इस मोशन को मैं देखूं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह मोशन दो डायमेंशंस में जा रही है। एक तो वाई एक्सिस के अलोंग भी इसका मोशन हो रहा है, देखिए ना, बॉडी पहले ऊपर गई है फिर नीचे आई है, और एक इसका एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो रहा है। लेकिन दोनों मोशन कैसे हो रहे हैं? एक ही टाइम पे हो रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी का मोशन हमें ऐसा अपीयर हो रहा है। बट होल्ड ऑन, मुझे एक बात पता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर एक दूसरे की मोशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दो परपेंडिकुलर मोशन से एक दूसरे की मोशन को अफेक्ट करने वाले नहीं है। मतलब वाई एक्सिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है इससे एक्स एक्सिस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक्स एक्सिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है इससे वाई एक्सिस को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नाउ होल्ड ऑन, यदि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मोशन एक दूसरे को फर्क नहीं डाल रही हैं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो ये मोशन बनी है ये दो तरह की मोशन से मिला के बनी है? एक मोशन इस तरह का कि बॉडी ऐसे ऊपर की ओर गई और यहाँ से ऐसे जाने के बाद ऐसे लौट आ रही है। क्लियर है? एक मोशन ये, मतलब ये डॉटेड इसलिए दिखाया है कि ये मतलब जस्ट ऐसे जस्ट एक ही लाइन पे है, लेकिन एक ही लाइन पे जाना और आने का डॉट मारते तो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने डॉट दिखा दिया उसे। क्लियर है? और ये वाई एक्सिस हो गया, और एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मोशन हो रही है लाइक दिस। क्लियर है गाइस? तो इन दोनों मोशंस को मिलाएंगे जब, तो रिजल्टेंट क्या क्रिएट होगा? ये क्रिएट होगा। कैसे? सी,
एक ही टाइम पे दोनों मोशन कराना है, एक ही टाइम पे दोनों मोशन कराना है। तो जब ये पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर गया और थोड़ा आगे गया तो यहाँ पहुँच गया, फिर और थोड़ा ऊपर गया और थोड़ा और आगे गया, क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों हो रही हैं, तो यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुँच गया तो ये इधर बीच में आ गया तो यहाँ पहुँच गया। अब उसके बाद नीचे उतरने लगा तो और साथ में आगे ही बढ़ रहा है, तो नीचे उतरने के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। क्लियर गाइस, ये बात तो हमें समझ में आ गई ना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यदि ये यू वेलोसिटी से लॉन्च हुआ है तो इधर की ओर इसका कंपोनेंट कितना रहा होगा। यू कॉस थीटा, जो कि अपन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है वेक्टर में, वेक्टर रिजोल्यूशन में, क्लियर है। और इधर की ओर कितना रहा होगा उसका कंपोनेंट, यू साइन थीटा। क्लियर बच्चा, मतलब मुझे एक बात पता चली कि ये बॉडी ऊपर की ओर प्रोजेक्ट हुई है कितने की वेलोसिटी से, यू साइन थीटा की वेलोसिटी से, और इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रोजेक्ट हुई है कितने से, यू कॉस थीटा की वेलोसिटी से। क्लियर है। तो मैं यदि लिखना चाहूँ यू वाई, मतलब वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, तो वो कितनी हो जाएगी, यू साइन थीटा। क्लियर है। एंड यू एक्स, मतलब वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, यू कॉस थीटा। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यदि हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्लियर है। यदि हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो इसका मतलब इसके ऊपर एक्सीलरेशन कंटिन्यूसली इन वाई डायरेक्शन लग रहा होगा, एंड दैट इज माइनस जी, माइनस जी, माइनस जी, जे कैप भी लिख सकते थे बट मैंने माइनस जी डायरेक्शन नहीं दिखाया क्योंकि वाई ऑलरेडी लिख रखा है। तो क्योंकि इसके ऊपर ध्यान से देखिए तो कंटिन्यूसली ऐसे लग रहा होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे जी लग रहा होगा। क्लियर है बच्चा। तो पहले क्या हुआ होगा, पहले बॉडी को डीएसिलेट कराने की कोशिश किया होगा जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई और बॉडी एक सेकंड के लिए एक इंस्टेंट के लिए रुकी और उसके बाद दोबारा उस जी की वजह से वो दोबारा नीचे की ओर एक्सीलरेट होने लगी और फिर से वो नीचे की ओर आने लगी। क्लियर बच्चा। तो ये हो गया। एंड ए एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स इज इक्वल टू दी जीरो। ये बहुत बड़ी बात है, ये तो कॉमन सी बात थी लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि देखिए जी जो है वो परपेंडिकुलर होगा हॉरिजॉन्टल के, मतलब जी की वजह से इस डायरेक्शन के मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और साथ में सबसे मेन बात ये, साथ में सबसे मेन बात ये कि बच्चा इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, सबसे मेन बात ये। हाँ, आगे चल के अपन कुछ लेक्चर्स पढ़ेंगे जिसमें कि अपन लोग मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और बॉडी को चार्ज कर देते हैं तो कुछ एक्सेलरेशन ओसिलेशन आ जाए, हॉरिजॉन्टल में तो नहीं कहते हैं। नहीं तो अभी हमने माना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो मुझे पता है एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, क्या होती है वो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस at, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम टेकन फॉर द मोशन, एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो एज यू कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। दैट मीन्स वी कैन से सिंपली कि भैया यहाँ पे अपन ये इक्वेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ से वी वाई मतलब फाइनल वेलोसिटी एट एनी जनरल टाइम टी, एट एनी जनरल टाइम टी, फाइनल वेलोसिटी एट एनी जनरल टाइम टी क्या लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं यू, यू कितना है, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू इन वाई डायरेक्शन कितना है, माइनस जी है। तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एट आफ्टर टाइम टी विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, एंड इन दिस केस वी एक्स एट टाइम टी दैट विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा प्लस जीरो टी, दैट इज वॉट यू कॉस थीटा। दैट मीन्स मुझे एक बात पता चल गया कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी कंटिन्यूस सेम वेलोसिटी से मूव करते हुए आगे बढ़ती जाएगी। क्लियर बच्चा। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी पहले घटेगी, फिर जब दोबारा नीचे आने लगेगा तो फिर से वो वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। क्लियर बच्चा। सो ये हमें पता चला वेलोसिटीज़ के बारे में इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो अब अपन लोग यदि बोलना चाहें कि बॉडी की जो नेट वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी, नेट
वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टाइम टी तो वो कितना हो जाएगा, नेट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू, उसके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा मतलब इन वाई एक्सिस डायरेक्शन एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा और इन एक्स एक्सिस एक कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही तो ये रिजल्टेंट मोशन बनी थी। तो कितना आ जाएगा, इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन दिस कंपोनेंट तो यू कॉस थीटा आई कैप, यू कॉस थीटा आई कैप क्यों लिखा समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। नाउ प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, क्लियर बच्चा। ये यू साइन थीटा माइनस जी टी जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट है एंड यू कॉस थीटा इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी इन वेक्टर फॉर्म, क्लियर है। और जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा आफ्टर टाइम टी और एट टाइम टी, वो कितना होगा अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस टर्म दैट इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इस पूरे के पूरे का होल स्क्वायर तो यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं ए और बी तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये और ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो भैया इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का होल अंडर रूट दैट विल बी द नेट वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड, क्लियर बच्चा। ये आप लोग को वेक्टर चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, बट इफ इनकेस आपको याद नहीं है तो दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आप जाके देख सकते हो उन लेक्चर्स को, क्लियर है। मैं उन सारे लेक्चर्स की लिंक हर वीडियो के नीचे अब देने लगा हूँ, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए जाके, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा सारे चैप्टर्स के जितने भी मेरे द्वारा डिलीवर किए गए फिजिक्स में, क्लियर है। तो ये आ गया वेलोसिटी, अभी मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं इसे ओपन कर देता हूँ, तो मैं इसे ओपन करूँगा तो क्या मिल जाएगा, मैं ये जीरो टी यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह की ज़रूरत है। तो वेलोसिटी एट जनरल टाइम टी की वैल्यू कितनी आ गई, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू यू साइन थीटा इंटू जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, क्लियर बच्चा। ये हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया है, तो दिस इज ए सो ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी इंटू सॉरी प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर। नाउ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सो यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये वन हो जाएगा, तो ये कितना आ गया यू स्क्वायर आ गया। सो वेलोसिटी नेट वेलोसिटी एट एनी जनरल टाइम टी वो कितना हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस टू यू सॉरी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा इंटू जी टी, क्लियर है बच्चा। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी जनरल टाइम टी, क्लियर है बच्चा। तो किसी भी जनरल टाइम टी पे क्या वेलोसिटी होगी आपको समझ में आ गया। अब ये तो अपन ने सारी चीज़ें थ्योरेटिकली निकाल के देखी, अब अपन लोग इसको एक ग्राफ में भी देखते हैं, ग्राफ में भी इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पे बॉडी आ गई या कोई एक जनरल यहाँ पे वेलोसिटी ले लो, क्लियर है। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ जिससे कि मुझे थोड़ा और समझा सकूँ मैं आपको अच्छे से, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको बहुत अच्छे से लिखिए, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्योंकि किसी भी जनरल टाइम टी पे आपको नेट वेलोसिटी इससे मिल जाएगी, वाई कंपोनेंट इससे मिल जाएगा, एक्स कंपोनेंट इससे मिल जाएगा, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुना भाई, अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके आपको दिखाने वाला हूँ, क्लियर है। तो यदि ये मोशन कुछ ऐसी हो रही है तो यहाँ से कितने पे u की वेलोसिटी से लॉन्च हुई है बॉडी एट एंगल थीटा, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट कितना था, वो था u साइन थीटा, क्लियर है। और ये कंपोनेंट कितना था, वो था u कॉस थीटा। अभी एक यहाँ पे ले लो, तो लेट अस सपोज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, और ये एंगल अल्फ़ा है, तो इधर की ओर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v कॉस अल्फ़ा, और इधर की ओर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v साइन अल्फ़ा, क्लियर है। तो v साइन अल्फा की जो वैल्यू आई होगी वो कितनी आई होगी, वो तो सीधे सीधे आई होगी u साइन थीटा माइनस जी टी, और जो v कॉस अल्फा आया होगा वो तो मुझे पता है कि वो u कॉस थीटा के बराबर ही होगा। क्यों u कॉस थीटा के बराबर होगा,
क्योंकि भैया वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो जितना वेलोसिटी पहले मिली होगी बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उतना ही बाद में मिली होगी। मतलब वी कॉस अल्फा इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो यहाँ से यदि हमें वी की वैल्यू निकालनी पड़े तो अपन कह सकते हैं वो होगी यू कॉस थीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा। सो गाइज, यदि आपको अल्फा की वैल्यू पता चल जाए तो एट एनी जनरल टाइम टी आप बॉडी की वेलोसिटी वी भी निकाल सकते हैं। क्लियर है इस रूल से? तो दिस इज महा इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, तो इस रूल को अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे क्या हुआ था, बॉडी एक स्टेंट के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में रुकी थी, मतलब मैक्सिमम हाइट पे क्या हुआ था, बॉडी रुकी थी। क्लियर है? लेकिन हॉरिजॉन्टली तो कंटिन्यूस मूव कर रही है, तो यहाँ पे मात्र एक कंपोनेंट उसके पास बचा होगा एंड दैट विल बी यू कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो चुका होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, यू कॉस थीटा, यहाँ पे वी साइन अल्फा, यहाँ पे वी कॉस अल्फा। क्लियर है? अल्फा क्यों लिखा हुआ आपको समझ में आ गया है। फिर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे अब ये वाला कंपोनेंट तो कोई चेंज हुआ ही नहीं हॉरिजॉन्टल, तो वो अभी भी उसी तरह मेंटेन होगा। क्लियर है? यदि ये वी एक्स कंपोनेंट बोल दीजिए, और अब जो वी वाई कंपोनेंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? यदि ये एंगल अल्फा लेंगे तो ये फिर वही हो जाएगा वी कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, वी साइन अल्फा। क्लियर है? लेकिन माइनस के डायरेक्शन के साथ, माइनस मतलब डायरेक्शन के साथ अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो दिस इज द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, जबकि हमारी एक बॉडी फ्रॉम ग्राउंड लेवल एट एंगल थीटा प्रोजेक्ट की गई है, तो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ अब इसके बेसिस पे अपन लोगों से एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है कोई, कि आप वो टाइम बताइए जब बॉडी की जनरल वेलोसिटी एट टाइम टी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द टाइम व्हेन वी विल बी परपेंडिकुलर टू यू। मतलब किसी भी जनरल वेलोसिटी वी, किसी भी वक्त की जो वी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, वो टाइम आपको बताना है। क्लियर बच्चा? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करके, बट मैं चाहूँगा कि आप एक बार यहीं पे वीडियो को पॉज करके और पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ कि मतलब किसी भी जनरल टाइम टी पे जो वेलोसिटी वी वेक्टर हो वो परपेंडिकुलर हो किसके, यू वेक्टर के। क्लियर है? मतलब ऐसे कि यू वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे कहीं भी वेलोसिटी यदि उसकी वी ऐसी है तो ये भी कुछ ऐसे पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना महसूस हो रहा है, 90 डिग्री महसूस हो रहा है। तो यहाँ का वो टाइम बताना है, वो टाइम बताना है जब हमारी बॉडी यहाँ पे पहुँची होगी। क्लियर है बच्चा? तो एक बार आप इसे करके देखिए और फिर तुम्हें बता ही रहा हूँ, चलिए देखते हैं। सो गाइस, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। क्लियर है बच्चा? ये इनिशियल वेलोसिटी थी, अरे वही मैंने लिख दिया यार, यू साइन थीटा आई जे कैप, यस, एंड यू कॉस थीटा आई कैप, बिकॉज दिस वॉज द वाई एक्सिस एंड दिस वॉज द एक्स एक्सिस। एंड फाइनल वेलोसिटी वी एट एनी जनरल टाइम टी वो कितना था, वो था यू कॉस थीटा आई कैप, अभी अपन लोगों ने पहले लिखा था, कुछ देर पहले वही लिखा था यहाँ पे वेलोसिटी एट जनरल टाइम टी, प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, याद आ गया होगा आपको, यही अपन लोगों ने नेट वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी लिखी थी। अब यदि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो सीधे सीधे हमें पता है कि यू डॉट वी वेक्टर शुड बी इक्वल टू जीरो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो होता है। तो ये इन दोनों का चलिए डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और उसको जीरो को इक्वेट कराते हैं और वहाँ से टाइम आ जाएगा अपना। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, तो आई का आई के साथ और जे का जे के साथ, आई जे वाला तो जीरो हो जाएगा, जे आई वाला भी जीरो हो जाएगा, बस यही वाले बचेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका और इसका प्लस, अब इसका और इसका करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा
इंटू जी टी, क्लियर है, इक्वल टू जीरो, बस यही होना चाहिए था क्योंकि भैया पता है दोनों का परपेंडिकुलर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए था, क्लियर है। ये आप डॉट प्रोडक्ट कैसे किया यदि ये भी नहीं पता तो नालायक बच्चा यहाँ पे फिर आया क्यों पढ़ने, जी आप पहले वेक्टर पढ़ के आ, कहने का मतलब वेक्टर एक बार देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने ये कैसे किया है, क्लियर है। तो अब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से यू स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये वन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, और एक यू से यू काट भी सकते हो चाहो तो, क्लियर है। तो ये क्या आ गया आपका, यू माइनस साइन थीटा जी टी स्क्वल टू जीरो, तो टाइम टी स्क्वल टू कितना आ गया, यू बाई जी साइन थीटा, क्लियर है। मतलब मुझे पता चल गया कि इतने टाइम बाद जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी बॉडी की, वो इनिशियल वेलोसिटी के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्लियर बच्चा। कितना आ गया, टाइम टी इज्कवल टू यू साइन थीटा बाई सॉरी यू अपॉन जी साइन थीटा। तो ये तो था मेथड नंबर वन, ये क्या था, मेथड नंबर वन। नाउ गाइस एक और है मेथड नंबर टू, तो मेथड नंबर टू के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्लियर है, और वो वीडियो मैं आपको इस लेक्चर के बाद अपलोड कर दूंगा, क्लियर है। तो वो मेथड नंबर टू आपके लिए स्पेशल हो जाएगा, क्लियर है, तो उसको बस देखिएगा, ठीक है। ये मेथड नंबर वन बहुत इजी था इसलिए मैंने करा दिया, मेथड नंबर जो टू है वो सोचने के बाद तो बहुत मज़ा आ जाता है लेकिन इन रियलिटी वो मेथड बहुत ही मतलब धांसू सा है, ठीक है ना। तो उस मेथड के लिए आप वेट करिएगा, मैं मेथड कराऊंगा, मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ जिससे कि तुम नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, समझे। सो गाइस दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें कि आज अपन लोगों ने मात्र वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन सीखा है, क्लियर है। अपन नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें कैलकुलेट करके देखेंगे, आइदर इट इज़ टाइम पीरियड और टाइम ऑफ फ्लाइट, और मतलब वही टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉडी और रेंज कवर्ड बाय द बॉडी, जो भी एक्स वाई जेड सारी चीज़ें अपन लोग देखेंगे, क्लियर है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी, दिस वॉज ऑल अबाउट दी वॉट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो यार लास्ट में यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यार जाके मेरे पेज को लाइक कर लो, पेज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ऊपर न्यू ऑनलाइन कोचिंग वाला, उसको जाके तुम लाइक कर लोगे तो यार हम लोग डेली वहाँ पे एक एक क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, डेली तीन क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे, डेली अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जो मनीष सर और देवराज सर है लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को देने के लिए, तो वो क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन भी देते हैं और डेली क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको बहुत फ्रूटफुल हो सकता है डेली के हिसाब से। तो उस पेज को जाके लाइक करो यार और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो यार, सारी चीज़ों को बहुत ही मदद कर सकती है आपके दोस्तों को, क्लियर है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ यार वन मोर थिंग, नोट्स ज़रूर बनाओ। बाय बाय, कीप वॉचिंग अस।